वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे विकास सिक्योरिटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो विकास सिक्योरिटेक स्टॉक की बात की जाए तो 3.65 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। विकास सिक्योरिटेक स्टॉक 5 पैसे अप है, तकरीबन 1.39% अप यहाँ पे विकास सिक्योरिटेक ट्रेडिंग करा है। तो रिसेंटली देख सकते कि विकास सिक्योरिटेक ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन फिर से यहाँ पे हल्की सी बाइंग साइड में मूवमेंट देखने को मिली थी। तो विकास सिक्योरिटेक के यहाँ पे कोई खास अपडेट तो नहीं सामने। तो लास्ट फ्राइडेज की मूवमेंट देखी जाए तो देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में 4% अप है स्टॉक। फिर लास्ट 1 मंथ की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे गिरावट के बाद फिर से रिकवरी हो रही है। और 6 मंथ की बात की जाए तो 6 मंथ में भी आप देख सकते हैं कि कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला, सिर्फ चौपी से मूवमेंट देखने को मिल रही है, कोई खास यहाँ पे अट्रैक्टमेंट नहीं है। तो रिसेंटली विकास लाइफ के विकास सिक्योरिटी का जो फ्राइडे के दिन का वॉल्यूम भी था 54 लाख का वॉल्यूम था। वैल्यू देख सकते कितने की ट्रेडिंग हो चुकी थी, 198 करोड़ लाख की यहाँ पे ट्रेडेड वैल्यू है। डिलीवरी परसेंटेज देखी जाए फ्राइडे की तो 54 लाख में से 22 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके थे, 41% क्वांटिटी। तो विकास लाइफ के का जो नंबर है उसके ऊपर नजर डालेंगे, फोकस करेंगे विकास इकोटेक के। तो विकास इकोटेक का मार्केट कैप तो 340 करोड़ का है, उसमें देख सकते पी रेशियो 35 थोड़ा सा ज्यादा है, बुक वैल्यू ₹2 का है, मीन्स पॉजिटिव है, ROC पॉजिटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव है। कंपनी के ऊपर जो लोन है वो 64 करोड़ का लोन है और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का 9 करोड़ से 10 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एक साल का रिटर्न की बात की जाए तो 71% का रिटर्न दिया, प्रॉफिट ग्रोथ 168% ऑफ है। तो देख सकते कि सेल्स ग्रोथ भी ऑफ है, सेल्स भी अच्छे हो रहे हैं स्टॉक के अंदर। इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पे अच्छी मीन्स अच्छी बात नहीं है, तकरीबन इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ थोड़ा भी नहीं किया है स्टॉक कंपनी ने। प्रमोटर होल्डिंग भी देख सकते बहुत ही कम प्रमोटर होल्डिंग है जो कि चिंताजनक बात है। और एक इक्विटी कैपिटल कितने करोड़ की डिविडेंड पे आउट नहीं है और एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों से देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ का है। तो बाकी के जो डिटेल है जैसे कि कंपनी के देखे जाए तो देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट भी देखे जाए तो प्रॉफिट हर क्वार्टर में प्रॉफिट है, या फिर 1-2-3 क्वार्टर छोड़ने के बावजूद रिसेंटली पिछले 5-6 क्वार्टर से अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। प्रॉफिट एंड लॉस हर साल का देखा जाए तो देख सकते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मार्च 2022 में 1 करोड़ का था, 2021 में माइनस में थी कंपनी और रिसेंटली देख सकते पॉजिटिव आ चुके, 10 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल में। तो बाकी के बैलेंस शीट के ऊपर भी नजर डाली जाए तो शेयर कैपिटल जो है 94 करोड़ से यहाँ पे 95 करोड़ पे चला गया सेप्टेम्बर 2022 में। यहाँ पे रिजर्व शेयर जो है 139 करोड़ के बढ़ चुके हैं। बोरोइंग जो थी 93 करोड़ का जो एप्पल लोन था वो 65 करोड़ पे आ गया है, कम हो चुका है जो कि अच्छी बात है। फिक्स एसेट 29 करोड़ के CW वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो ये चार्ट के ऊपर भी नजर डालेंगे तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो विकास इकोडे के अंदर भी काफी चौपी मूवमेंट देखने को मिले रिसेंटली देखा जाए तो। वीकली चार्ट पे देखा जाए तो देख सकते स्टॉक 5 पॉइंट यहाँ पे विकास सॉरी तो विकास इक्विटी में देखा जाए तो देख सकते कि वीकली चार्ट फ्रेम में जो ब्लू कलर का लाइन है 200 मूविंग एवरेज उसी का सपोर्ट लेके स्टेबिलिटी दिखा रहा है स्टॉक। और डेली चार्ट फ्रेम का मूवमेंट देखे जाए तो डेली चार्ट फ्रेम में विकास इक्विटी की मोमेंटम देख सकते हो कि कैसी मोमेंटम कर रहा है, मीन्स कोई खास मोमेंट नहीं। लास्ट मंथ में गिरावट हो गई थी फिर रिकवरी दिखाई दे रही है स्टॉक के अंदर, पर ऊपर 4 लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक, मीन्स 4 लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। ऊपर भी नहीं जा रहा है स्टॉक, ऊपर भी तेजी दिखाई नहीं दे रही है स्टॉक के अंदर। देख सकते कि 3.62 3.70 रेजिस्टेंस लग रहा है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट विकास इकोटेक के लिए।